yari. Wow, what a spin! Chalo, sab log dhamal karenge. अरे वाह इस तरह पानी में पुड़क पुड़क डुबकी लगाने में बड़ा मजा आएगा चलो वेलकम वेलकम आइए हॉट वाटर स्प्रिंग में बात लीजिए और अपने शरीर की बीमारियों को दूर कीजिए हेलो मिस्टर जॉन जब तक हॉट वाटर बात लीजिए मैं एक मिनट अब लाया ये बताओ कि बीमारी दूर कैसे होगी ये कहाँ से आ गए हॉट वाटर स्प्रिंग में नेचुरल मिनरल्स होते हैं औषधियाँ होती है ये नेचर की देन होती है तभी तो ये कहीं कहीं ही निकलते हैं और इन हॉट वाटर स्प्रिंग में स्नान करने से तरह तरह की बीमारियाँ ठीक हो जाती है तुम सब टिकट ले लो और हॉट वाटर बाथ ले लो इधर आराम से बातें करेंगे अरे जॉन तुमने ये टोपी पहनाने का बिजनेस कब से शुरू किया अरे मैं हॉट वाटर स्प्रिंग का बिजनेस कर रहा हूँ मैं अब व्हाइट कॉलर बिजनेस करता हूँ देखो मेरा व्हाइट कॉलर उड़ी बाबा तुम व्हाइट कॉलर रेड वाला बर्फ की सिल्ली के अंदर घुसा कर रखो ना जब बाहर निकालोगे तो अब भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी तुम व्हाइट कॉलर रेड कॉलर ग्रीन कॉलर येलो कॉलर कुछ भी कॉलर का बिजनेस करो लेकिन लोगों को ठगना बंद नहीं करोगे बंदर कितना भी बुरा हो जाए गुलाबी मारना नहीं छोड़ता मोटो पतलू तुम लोग मेरी बुराई करना बंद करो और जाओ वीआईपी बात करो तुम लोगों के लिए फ्री है फ्री समझ लो फुरफुरी नगर के लिए डिस्काउंट है जो तुम कहते हो तो वीआईपी पास नहीं लेता हूँ लेकिन दिल कह रहा है कि कौवा हंस की चाल नहीं चल सकता और शेर की खाल पहनने से सियार शेर नहीं बन जाता अम्मा अरे क्यों कहावत पे कहावत सुना के ओए मेरा बुरा हाल कर रहे हो जाओ वीआईपी पास लो पर मेरा पीछा छोड़ो बस बस न जाने क्यों आपको देखकर ऐसा क्या लगता है जैसे कि आप कोई भूत देख कर आए हो और आपका मन घबराता है दूर जाके रोगे बाबा बॉस क्या कविता कही है बाबा बॉस अरे कविता को छोड़ो मोटू पतलू यहाँ आ गए हैं देखो मॉनिटर में कैसे मजे नहा रहे हैं मेरी तो पोल खुल गई है मेरे बस चले तो मैं पानी का टेम्पर से इतना बड़ा दुखी है बॉल अंडे की तरह बाहर निकले तो इसमें क्या प्रॉब्लम है टेम्परेचर बढ़ाकर एक गर्म पानी में नहला देते हैं कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है ये क्या कर दिया तुम लोगों ने पानी का टेम्परेचर ऐसे कैसे बढ़ गया बॉस आप ही तो कह रहे थे मेरा बस चले तो मैं उनको गर्म पानी में स्नान करा दूं है ना नंबर दो मोटोर्स की टीम अकेले स्नान नहीं कर रहे हैं बाकी लोग भी नहा रहे हैं सभी गर्म पानी से जल रहे हैं पानी का टेम्परेचर कम जाओ बहुत कम तल देता हूँ मैंने पता किया है
पता क्या है, ये सिर्फ यही हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। अब आप लोग छू कर देखिए कि पानी की टेम्परेचर ठीक है या नहीं। हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है। वो क्या है ना, कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो जाता है। आप लोग आराम से नहाइए, आराम से। जिसको भी तैराओगे उसके टिकट के पैसे उसे वापस दे दिए जाएंगे। हॉट वाटर स्प्रिंग में पानी इतना विकरण नहीं होता है। जरूर दाल में कुछ काला है, पता करना होगा। फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अब तो मुझे 100% लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरा धंधा बंद करवाओगे क्या? मुझे जेल भिजवाओगे क्या? टेम्परेचर को ठीक करता हूँ। चमत्कार हो गया, हजारों साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि पानी एकदम गर्म हुआ और फिर एकदम से ठंडा हो गया। ये चमत्कारी घटना है। आज आप सभी के टिकट के पैसे वापस लौटा दूंगा। मैं धन्य हो गया। अरे देखो तो कैसे बार बार उल्लू बना रहा है लोगों को। वो उस कमरे में जाता है, जरूर वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चलो हम लोग चलते हैं उस कमरे में। चलो। आवाज कैसी? अरे मोटू तुम, पानी गर्म है इसलिए पाइप भी गर्म हो रहा है। अरे ये सब मशीन क्या है और ये सब मीटर ये किस लिए है? ये तो पानी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। सभी को पाइप के ऊपर बिठा लो। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ना फुरफुरी नगर में मुझे कुछ करने देते हो और ना यहाँ ना कहीं किसी भी जगह कुछ करने देते हो। जान, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। प्लीज नीचे उतरने दो। मैं तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। पतलो खाली प्रतिमा की बत्ती है, जल्दी जल्दी कुछ करो। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। पर देखो अभी पता चल जाएगा आप सबको। अरे यहाँ कोई हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है और ये जॉन है फुरफुरी नगर का एक मामूली चोर। जॉन नदी से पाइप के जरिए यहाँ पानी लेकर आता है और नीचे बॉयलर रखे हुए हैं जिससे कि ये पानी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, उन्हें गर्म करके यहाँ ऊपर भेजता है। ये आप लोगों को उल्लू बना रहा है। ऐसा क्या, हमें उल्लू बनाया? पकड़े पकड़े,